सकते हैं कि मंत्री कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव जी के आवास पर जो बधाई देने वाले हैं उनका तांता लगा हुआ है, मुंह मीठा कराया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनको मिला है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री बनाए गए पीडब्ल्यूडी जैसी एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है। बिल्कुल सही है, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे हाईकमान का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्या मतलब मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो जिम्मेदारी मिली है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के भावना से मैं इस विभाग में मन लगा के काम करूँ और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि खरा उतरे। पिछले 3 साल से यदि आपके काम की बात की जाए, एक तोहफा मिला है, आपको प्रमोट किया गया है, साथ ही पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो पिछले 3 साल से लगातार तरक्की कर रहा है। जी जी बिल्कुल, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है अब मिला है और हम सब लोग, मैंने कहा ना कि हम सब लोग मिलके उसको और बेहतरीन अपन कैसे कर सकते हैं, सड़कों का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे विस्तार कर सकते हैं, ये हम सब लोग पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी होगा अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर बहुत अहम जिम्मेदारी है, चुनौती भी है और चुनौती हम लोग स्वीकार करके और जो जितना बेहतरीन होगा हम लोग काम करेंगे। कल पुनर्गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, सभी मंत्री 30-29 मंत्री बनाए गए हैं, आप सीएम के बेहद नज़दीकी भी माने जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि इतना विश्वास जो आप पर जताया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा विश्वास है और विश्वास जता है तो मैं कोशिश करूँगा उस विश्वास पर खरा उतरने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और भी कोई दिशा निर्देश होंगे समय समय पर हम लोग दिशा निर्देश लेंगे। इसके साथ ही अब आने वाली प्लानिंग, क्योंकि 2 साल अब इस डिपार्टमेंट में और बेहतर करने के क्या लक्ष्य निर्धारित रहेंगे? अब आज मिला है, अभी मिला है, लक्ष्य मीटिंग होंगी, अधिकारियों के साथ बैठक होंगी, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होंगी, उसके बाद बैठकों का दौर चलेगा और हमारा लक्ष्य है 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने, ये हमारा लक्ष्य है और वही हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की दोबारा से सरकार बने और वही कैबिनेट में। और जिस तरीका से मेरे हिसाब से खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो संदेश गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप समझ सकते हैं 4 कैबिनेट 5 मंत्री अनुसूचित जनजाति के और डिपार्टमेंट जो मिले हैं आपके सामने हैं, तो इससे बढ़िया काम और शानदार और जानदार काम। भजन जी एक बात आपसे जानना चाहूँगा, 3 साल का समय, 1.5 साल कोरोना खा गया लेकिन उसके बावजूद भी 60% वादों को पूरा कर दिया गया है, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में है। उसी का नतीजा तो है भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान में 3रे 4थे नंबर की पार्टी बन गई और जमानत जब्त हो गई और तमाम चुनाव, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, तमाम चुनाव जो हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मौके खानी पड़ी और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में पूरे में कांग्रेस पार्टी का झंडा फैल रहा है और जो 3 काले कानून अभी इन्होंने केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने वापस लिए हैं, आप सबको पता है उसमें किसान की जीत हुई है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश से माफ़ी मांगी है, आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन को 2023 लक्ष्य मान के चला जा रहा है, क्या आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इसको लेके? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग संतुष्ट हैं और एक घर परिवार है, थोड़ी बड़ी बात होती है तो सब घर परिवार बैठ के आपस में कोई बात होती है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब बातें सुलझा ली जाएंगी। हमारे साथ मंत्री भजन लाल जाटव थे, उनका ये कहना है कि जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है वह बहुत ही शानदार हुआ है, साथ ही 2023 का जो विधानसभा चुनाव का लक्ष्य है वह निर्धारित करके चले हैं, पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी इनको मिली है और अब इस विभाग को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, इसके साथ ही पिछले 3 साल में 60% से ज़्यादा वादे हैं वे पूरे कर लिए गए हैं, तो ऐसे में अब आने वाले समय में जो सभी मंत्री हैं वह और मिलकर काम करेंगे और पूरी एकता से काम करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा सुशांत, मैं आपके पास आता हूं, आपने सुना भजन लाल